ठीक है, ई एम सी के अंदर इस फीचर का मेरे जहन से निकला नाम शायद आपको याद हो किसी को, जो ड्यू डेट की फंक्शनलिटी है। तो ई एम सी जो 54 है या 52 है, इसमें तो ये फीचर बिल्ट इन आता है, लेकिन जो इनकी नीचे आ रहा है ये एक्स ई की सीरीज पे आ रहा है, जो ई की सीरीज है उसमें ये फीचर बिल्ट इन नहीं होता। इसका लाइसेंस आपको अलग से परचेज करना पड़ता है अगर आप ड्यू डेट की फंक्शनलिटी अवेल करना चाहते हैं। ठीक है, पहले तो ये करते थे कि 51, 53 और 57 में भी ये फीचर नहीं देते थे। ठीक है, ये जो बड़ी इनकी जो स्टोरेज है 73 है, 75 या 77 जो पूरे के पूरे इनकी जो है पूरी के जो रैक्स है पूरे के पूरे उसमें ये फीचर होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फीचर जो है आई बी एम की जो स्टोरेज है 27000 सीरीज है, ठीक है, उसके अंदर फीचर बिल्ट इन होता है। ठीक है, अब जो डेल की स्टोरेज है एफ एक्स 2 है, ठीक है, उसके अंदर भी फीचर बिल्ट इन है। ठीक है, क्योंकि ये फीचर बिल्ट इन तब आप अवेल कर सकते हैं, पहली चीज के जो रेड कार्ड उसमें लगा हुआ है वो रेड कार्ड सब रेड को सपोर्ट करता है, वो रेड कार्ड फुली सपोर्टेड रेड कार्ड, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे आधी पे कर देते हैं रेड 5 और एक पे करते थे रेट 6, इसमें आप क्या रिक्वायर कर रहे हैं स्पीड, और इसमें आप क्या रिक्वायर कर रहे हैं अनलिमिटेड बैंडविड्थ, इस तरह डिजाइनिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये अब रेट कार्ड की मैं बात कर रहा था, तो रेट कार्ड अमूमन हम तो रेट कार्ड जितने भी आते हैं वो फुली सपोर्टेड होते हैं, लेकिन पास कार्ड ऐसा होता है कि अगर पास थोड़ी सी लो कर, क्योंकि जब ये हार्डवेयर अपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहां से कोई थोड़ी सी पास की निकालनी तो इस तरह थोड़ी सी पास बचाई जा सकती है। ठीक है, कुछ रेड कार्ड ऐसे आते हैं जो 015 को सपोर्ट करते हैं, कुछ रेड कार्ड ऐसे आते हैं जो 015 एंड 6 को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ रेड कार्ड ऐसे आते हैं जो फुली रेड कार्ड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। तो उसके अंदर इसको बोलते हैं स्टोरेज प्रोसेसर ए एंड स्टोरेज प्रोसेसर बी, उसके अंदर जो फिजिकल डिविजन होती है वो दो प्रोसेसर के डिविजन होती है, ड्यूल ड्यूल प्रोसेसर यहाँ पे भी लगे होते हैं, पावर सप्लाई यहाँ पे ड्यूल और यहाँ पे ड्यूल होती है। ठीक है, नीचे भी इन्होंने केबलिंग की होती है, उन पर भी ड्यूल ड्यूल केबल्स होती है और इनके केबल्स के क्रॉस कॉम्बिनेशन चल रहे होते हैं सर। ठीक है, ऊपर कंट्रोलर आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोलर यूज कर रहे होते हैं, कंट्रोलर किस लिए यूज करते हैं, कंट्रोलर उस ट्रे को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहां तक क्लियर है कुछ चीज, बिल्कुल फिर नेक्स्ट पे अब बात की जा रही है कि केबल्स के बारे में जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो मीडियम हमारा बेसिकली असल में यूज हो रहा है, अब उस पर फाइबर पे चले जाए या इथरनेट पे चले जाए, फाइबर पे जाएंगे तो एफ सी स्विचेस, इथरनेट पे जाएंगे तो एफ सी ओ ई स्विच, फाइबर चैनल ओवर इथरनेट। इसकी कॉस्ट अगर तो 40 लाख के करीब है, इसकी कॉस्ट अराउंड 22 to 25 लाख। अगर ऐसा है कि दो एक ही स्विच और उसमें दोनों की फंक्शनलिटी हो, एफ ओ एफ सी ओ ई की और सिंगल ई की, ये जो स्विच आप खरीदते हैं एफ सी स्विच, इसका लाइसेंस पूरे मॉड्यूल का एक होता है या पर पोर्ट बेस्ड लाइसेंस होती है, आंसर दे दीजिए। इसका जो लाइसेंस आप खरीदते हैं ना बोर्ड बेस, बोर्ड बेस लाइसेंस होता है, मैक्सिमम की इसकी सपोर्ट 24 बोर्ड्स की होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने आपके पास ऊपर सर्वर चल रहे हैं। ठीक है, अगर तो 3-5 चल रहे हैं अगर तो 12 पोर्ट भी आती है आप इनफ होगा। ठीक है, तो पर पोर्ट बेसिस का लाइसेंस होता है, अगर 6 पोर्ट का खरीदते हैं तो 6 की 6 फाइबर लगी होती है, आप कहते हैं 6 फाइबर लग गए तो बाकी 6 आपकी एफ सी ओ ही लग गए। ठीक है, तो क्योंकि ये जो केबल्स है इसमें जो केबल कन्वर्ट हो रही है इसका स्टैंडर्ड और ईथरनेट का स्टैंडर्ड टोटली डिफरेंट है। तो एक क्वेश्चन ये है कि आप 24-24 के दो लगा रही है, क्या इनके ऊपर भी रिडंडेंट होगा और सर्वर की कनेक्टिविटी या सिंगल एक पे होगी रिडंडेंट होगा, इट्स मीन कि इसके आगे पैच पैनल लग जाएंगे, इसके आगे पैच पैनल जैसे हमारे स्विच के ऊपर लगते हैं इसके आगे पैच पैनल लगेंगे वो भी रिडंडेंट लगेंगे कनेक्टिविटी के लिए एक्सटेंड करने के लिए। मेरी बात सुनिए, जब आप दो यूज कर रहे हैं तो रिडंडेंट हो गए, रिडंडेंट फिर जितना भी स्टैंडर्ड इस पर रिडंडेंट। ठीक है, ये रिडंडेंट का फैसिलिटी दे रहा है,
ऊपर भी जितने स्टैंडर्ड वो भी सब रिडंडेंट हो जाओ। फिर कंट्रोलर भी रिडंडेंट हो गए। कंट्रोलर तो सिंगल पे भी होता है, सिंगल होता है कंट्रोलर, सिंगल कंट्रोलर मैं कहता हूँ धमाके से उड़ भी जाए कंट्रोलर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। NAS एक और चीज़ है, सैन भी बैठा था जब चाइना गए हुए थे। हाँ वो NAS कंट्रोलर था, NAS भी सैन था, डेटाबेस और ऑफिस की सर्विसेज अब डिस्टर्ब। अच्छा सर ये अब वो आईबीएम की NAS सैन थी, इसका कंट्रोलर गया था अगर फाड़ गया होगा, अभी तक हमारा उससे डाटा इशू बना हुआ स्टिल जी।